वेलकम टू बाय 24/7। थैंक यू। सो एक्चुअली हमेशा से सीता माँ और मैं सामने सीता माँ के सामने हूँ। सो बात करते हैं मैम शो के बारे में। धरती पुत्र नंदी जो टीआरपी है जो गुड गोइंग, एज ए प्रोड्यूसर आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी है कि 6 महीने हो गए हैं एंड वी आर नंबर 1 शो, तो बहुत खुशी है इस बात की। एंड बस भगवान करे ऐसे ही रहे और सब लोग आप प्यार देते रहिए। हमारा चैनल ज़्यादातर यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, एमपी में बहुत पॉपुलर है जी। बस अपने फ्रेंड्स को कहिए कि गुजरात, महाराष्ट्र और दूसरे सब प्रदेश हैं वहाँ पे भी ये न्यूज़ स्प्रेड करें ताकि हमारा शो वो सब भी देख सके जी। जी मैम, सेकंड क्वेश्चन है मैम, शो में आपके किरदार के बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए। सो एक्चुअली तो मैं दादी का रोल प्ले कर रही हूँ, बट ऑब्वियसली टेलीविजन में जो दादी होती है वो दादी की उम्र की नहीं होती, दादियाँ वो सब यंग होती, चाहे वो माँ हो चाहे दादी हो, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट टू लुक गुड इन टेलीविजन। सो फिल्म के जैसे नहीं होता, जब अगर आप दादी का रोल करते हैं तो वो वाइट होता है या एक्चुअली दादी की एज की होती है। तो ये एक कहानी है जो मेरे परिवार की, भारद्वाज परिवार की, जहाँ मेरे 3 पोते हैं, उसमें से सबसे छोटा है वो मेरा फेवरेट पोता है, क्योंकि बचपन में उसकी माँ गुजर गई है और फादर भी नहीं है, तो मैंने इसको पाल पोस के माँ के जैसे उसको बड़ा किया है। फिर मैं उसकी शादी करवाती हूँ एक किसान की लड़की के साथ, और क्योंकि बिकॉज वो जो लड़की होती, किसान की लड़की होती, वो बहुत मेहनती होती, बहुत गुणी होती है, धरती से जुड़ी हुई है, इसलिए धरती पुत्र रखा है कि पुत्र के बराबर है वो और धरती से जुड़ी हुई है। तो उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो मुझे बहुत पसंद आती हैं, और मुझे ये लगता है कि आगे चल के जब दादी नहीं रहेगी तब वो पूरा हैंडल कर पाएगी, वो अकेली लड़की, छोटी सी लड़की। सो उस हिसाब से एक गांव की लड़की से मैं मेरे बहुत रईस फैमिली के बच्चे को मैं एक गरीब घर की बेटी से शादी करवाती हूँ। एंड फिर जब वो घर में आती है तब कैसे क्लेश होता है, क्योंकि वो अच्छी है, समझदार है, गुणी है, दयावान है, सब क्वालिटीज़ है, लेकिन घर के जो दूसरे अन्य सदस्य हैं उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अब तक का ये समझना था कि भाई सुमित्रा देवी तो ऑफिस चली जाती थी, घर पे नहीं रहती थी, तो इन लोग मनमानी करते थे। अब सुमित्रा देवी भी बहुत घर में रहने लग गई है, बहू आ गई है, तो उनकी मनमानी नहीं चल रही है, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, और वो पूरे टाइम यही कोशिश में रहते कि कैसे उसको घर से निकालते। तो ये पूरी कहानी एक यू नो गुड ओवर बैड की है कि हर बार अच्छाई और सच्चाई की जीत होती है जी। वाओ, ग्रेट मैम। एज ए ऑडियंस मेरा थर्ड क्वेश्चन है, एज ए ऑडियंस आपको हैवी ज्वेलरी में हम सभी लोगों ने देखा है, सो इस टाइप का जो रोल प्ले कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है ये मुझे लगता है ज्यादा नॉर्मल लगता है। और वैसे भी रामायण में आप देखिए सबसे फेमस जो मेरे फोटोग्राफ्स हुए हैं वो वनवास के होते हैं। ऑफ कोर्स मुकुट वाला भी हुआ है जी। राम और सीता का भी हुआ है, लेकिन वनवास वाला हुआ है, तो वो एक नॉर्मल लेडी जैसे आप मानो, तो मेरे लिए इतना परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स राम जी और लक्ष्मण जी वो लोग सब मुकुट में बहुत ज्यादा रहे हैं। मैं थोड़े वक्त रही, लेकिन मेरा ज्यादातर वनवास का काफी एक्सपोजर रहा है, सो मेरे लिए ज्यादा दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं, ग्रेट मैम। सो मैम, जब आपने कैरियर स्टार्ट किया था, दिन फर्स्ट टाइम अगर जो होर्डिंग और एडवर्टीजमेंट जब लगा था और आप देखे होंगे, तो दैट टाइम आपकी एक्साइटमेंट कैसी थी ये दर्शकों को थोड़ा सा? रामायण में तो कोई होर्डिंग नहीं लगा था जब फर्स्ट, लेकिन एक्साइटमेंट रामायण की ये हमको बहुत लगी थी कि लोग हमको आकर कहते थे कि भाई शादियाँ रुक जाती हैं, और भले मुहूर्त हो ना हो, क्योंकि शादी में कोई आता नहीं है जब तक रामायण फिनिश नहीं होता है जी। फिर हमको ये बहुत खुशी होती थी कि हमारे देश के बाहर जितने भी कंट्रीज हैं, जैसे मॉरिशस हैं और अमेरिका है, लंदन है, तो वहाँ से हमको गवर्नमेंट की तरफ से भी बुलाया जाता था जी। तो वो सब हमको बहुत खुशी हुई, बहुत जगह पे लोगों ने डब करके रामायण देखी है, तो उसकी एक्साइटमेंट अलग ही किस्म की पॉपुलैरिटी रही है। सो एक्चुअली अभी अयोध्या में भी मैंने देखा काफी वीडियो वायरल हो रहे थे। सो वो मोमेंट थोड़ा शेयर करोगे मैम, जो आज भी रामायण को लेके मतलब एक सीता माँ का आज भी ऑडियंस जैसे आप जाते हो तो थोड़ा सा एक्सप्रेस कर पाओगे? ये है कि
जब अयोध्या मैं अभी गई थी, रास्ते पे हम लोग चल रहे थे, शूटिंग हम लोग करने के लिए एक्चुअली गए थे, तो बहुत मतलब ऐसे लगता है अयोध्या के लोग जब मुझे देखते हैं और मैं वहाँ पे वॉक करती हूँ तो उनको यही लगता है कि ये आपकी नगरी है, आप यहाँ के हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राम जी, जो साक्षात राम जी हैं, वो यहाँ पे चले होंगे किसी दौर में, और उस दौर के राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी चले थे, दशरथ जी चले थे, और हमें वो लाभ मिल रहा है कि अयोध्या की नगरी में चलने का, तो मतलब बहुत इमोशनल मोमेंट हो जाता है। लास्टली फैंस के लिए क्या कहना चाहिए? बस मैं यही कहूँ कि धरती पुत्र नंदिनी मेरा फर्स्ट प्रोडक्शन है, प्लीज देखिए, प्यार दीजिए और एंड एंजॉय इट। और कोई भी अगर बात करनी है धरती पुत्र के बारे में, मेरे इंस्टाग्राम से ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं हमेशा इंस्टाग्राम पे लोगों को जवाब देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई।